विधायक बृहस्पति सिंह और कलेक्टर के बीच चल रही चर्चा के बीच स्कूल ड्रेस में एक छोटी सी बच्ची पहुंची। छात्रा के हाथ में उसकी मार्कशीट थी और वो बार बार कह रही थी कि वो पढ़ना चाहती है। विधायक ने जब उससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि उसने पांचवी की परीक्षा में 69% अंक हासिल किए हैं, लेकिन अब वो पढ़ नहीं पा रही है और उसका एडमिशन भी नहीं हो रहा है। कारण पूछने पर बच्ची ने बताया कि वो पहाड़ी कोरवा जनजाति की है और उसके माता पिता अत्यंत गरीब हैं। इस कारण वो पढ़ नहीं पा रही है। छात्रा के पढ़ने की लालसा की सराहना करते हुए बिना देर किए ही सहायक आयुक्त को बुलाकर उसका दाखिला एकलव्य विद्यालय में कराने के निर्देश दिए गए। विधायक और कलेक्टर दोनों ने छात्रा से कहा कि उसके पढ़ने, खाने और पढ़ाई की सारी सामग्री उसे मुफ्त में दी जाएगी, जिसे जिला प्रशासन वहन करेगा। विधायक ने कहा कि प्रतिभा को कोई कभी रोक नहीं सकता है, चाहे गरीब हो या फिर अमीर। उन्होंने छात्रा की हिम्मत की दाद देते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि अब हर वर्ग का बच्चा पढ़ाई के प्रति जागरूक हो गया है। बालिका आई है, पहाड़ी कोरवा परिवार की है, काफी निर्धन परिवार की है। पांचवी में उसको 89% मार्क्स आए हैं और उसके द्वारा ये बताया गया, उसके पेरेंट्स के साथ में ये बताया गया कि आर्थिक विपन्नता के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो माननीय विधायक जी के प्रयास से अभी ये हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि जो हमारे यहाँ एकलव्य विद्यालय है उसको तत्काल दाखिला कराया जाएगा और कल से वो एकलव्य विद्यालय। प्रतिभावान बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वो माने नहीं रखता। पहाड़ी कोरवा समाज की एक आदिवासी बच्ची जंगल के बीच में रहती है, दो खाने का भी ढंग से नहीं है, इसके बावजूद भी 89% मार्क्स लेकर आई और आज हम लोगों के सामने बातें आई और जिला प्रशासन से हमने आग्रह किया और तत्काल उसको एकलव्य विद्यालय में, आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए व्यवस्था कराई गई। कल से बच्ची हमारी स्कूल